हरदोई में तेज हवाओं के चलते 8 किलोमीटर इलाके में भयानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते भीषण आग ने आधा दर्जन गांव और हजारों बीघा में कटी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके साथ ही आग की चपेट में आकर 50 से ज्यादा मकान भी जलकर राख हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भीषण आग से किसानों की करोड़ों की फसल का नुकसान हुआ है। आग तो पता ही नहीं चला किस तरीके से लगी है, लेकिन ये है कम से कम हजारों किसान का बर्बाद हो गए रहेगा ना। वहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर की दूरी में आग लगी है और उसके बाद में गांव के अंदर बिस्सिंगपुर जो गांव है उसमें 50-60 मकान जले हैं। उसमें का जो नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा का नुकसान हुआ। कितने किसानों की हजारों किसानों का नुकसान होगा हुआ होगा। कितनी फसल जली है? यहाँ से पीछे करीब 3-4 किलोमीटर पीछे उधरनापुर गाँव है, वहाँ पर अचानक अज्ञात कारणों से आग लगी और आज तेज़ हवा चल रही है, बिल्कुल अंधड़ सा चल रहा है, उससे आग अचानक फैल गई। जैसे ही खबर लगी वैसे ही हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड के गाड़ियाँ मंगवाई, 4 गाड़ियाँ आ गई और तुरंत ही गांव वालों के सहयोग से आग पर कंट्रोल कर लिया गया। लगभग 3-4 किलोमीटर के एरिया में लंबाई में आग फैली है। वहीं दूसरी ओर रामपुर के थाना क्षेत्र मिलक में बिजली का तार गिरने से 140 बीघा खेत में भयंकर आग लग गई। खेत में आग लगने से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। वहीं सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही किसी तरह आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो फायर ब्रिगेड फोन किया था आपने? फोन किया, एक घंटा हो गया, एक घंटे से अभी तक आई नहीं है। फोन किया फायर ब्रिगेड, एक घंटे के बाद आ रही है। एक घंटा जो है बुझा चुके हैं यहाँ पर, जब बुझा चुके हैं आग यहाँ पर, बड़ी मुश्किल पूरा इलाका जल गया है। सब पुलिस वाले फोन करा, पुलिस वाले भी नहीं आए। 100 नंबर का फोन लगाया, वहीं मिलक के ही चिंतामन गांव में भी बिजली का तार टूटकर गिरने से 90 बीघा खेत में आग लग गई। यहां भी किसान फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंचने से किसानों में बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड के खिलाफ भारी आक्रोश है। हरदोई से आशीष द्विवेदी और रामपुर से रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी।